हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जुटा है गरीब परिवारों की सहायता में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में उनके सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं पिछले 15 दिन से हर गली मोहल्ले में राहत सामग्री। अपने यहाँ पर ऐसे जो दिहाड़ी मजदूर है या जिनकी आय बिल्कुल कम है, अभी इस कोरोना संकट में उनके परिवारों में अपने इस चौहटम क्षेत्र में और अपने द्वारा अब तक 150 पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और अभी भी अपन पैकेट बढ़ा रहे हैं। जहां आवश्यकता महसूस होती है उन परिवारों को अपन पैकेट देते हैं। किस समिति की ओर से दिया जा रहा है? ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो अपना संगठन चलता है सेवा भारती, उसके माध्यम से दिए जा रहे हैं। अब तक कितने वितरित कर चुके हो आप? अब तक 150 पैकेट वितरित कर चुके हैं। संघ के खंड कार्यवाहक विनोद खत्री ने बताया कि हम हमारी टीम के माध्यम से रोजाना हर गली मोहल्ले में जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन सामग्री वितरित करते हुए पिछले 15 दिन से आ रहे हैं। और भी कई गरीब परिवारों को जरूरत पड़ी तो हम हमारा जो राष्ट्र सेवा दल समिति एवं राष्ट्र सचिव संघ के माध्यम से हर दम उनकी सहायता के लिए हाजिर रहेंगे। वही संगठन सेवा भारती, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सीमाजन कल्याण समिति के कार्यकर्ता पूरे देश भर में आवश्यकता अनुसार सेवा कार्य कर रहे हैं। इस दौरान जिला संचालक ऋखभ दास बोत्रा, मांगीलाल धारीवाल, खंड कार्यवाह भरत सेठिया, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, अशोक डोसी, केवल बोत्रा, मांगीलाल बोत्रा, दिलीप महेश्वरी, भवानी मालू, सवाईलाल भार्गव, लाखाराम सहित कई कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चौटन बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।